नमस्कार, खबर फास्ट पर बड़े मुद्दे के साथ मैं हूं भविष्य त्यागी। हरियाणा सरकार भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करने का जो दावा कर रही थी, उसका असर भी अब दिखने लगा है। प्रदेश में भ्रष्ट अधिकारियों और कर्मचारियों पर धड़ाधड़ कार्रवाई शुरू हो गई है। दरअसल हरियाणा में पारदर्शिता और भ्रष्टाचार का खात्मा करने के लिए राज्य सरकार की उम्मीदों पर डीजी विजिलेंस शत्रुजीत कपूर खरे उतरते दिख रहे हैं। कपूर की ज्वाइनिंग के 4 महीने के भीतर ही विजिलेंस की कार्यप्रणाली में बदलाव आया। कांस्टेबल और पटवारी या फिर एजेंट को रंगे हाथों गिरफ्तार कर अपनी ड्यूटी से इतिश्री करने वाली विजिलेंस को अब बड़ी मछलियों तक पहुंचने के लिए हाथ उन्होंने खोल दिए हैं। तो प्रदेश में इसका असर भी दिख रहा है। विपक्ष के आरोपों पर भी विजिलेंस की कार्यप्रणाली एक सटीक जवाब के तौर पर दिखाई दे रही है। इसी पर है बड़ा मुद्दा, इसी पर होगी चर्चा। तो बीते दिन अंबाला की विजिलेंस टीम ने कैथल के एसडीएम अमरिंदर सिंह को गिरफ्तार किया। विजिलेंस की टीम ने गिरफ्तार करने से पहले दफ्तर में उनसे लंबी पूछताछ की। 1 हफ्ता पहले ही उनकी ज्वाइनिंग कैथल हुई थी। जानकारी के मुताबिक मामला ओवरलोड वाहनों की सड़कों पर बेरोकटोक चलने की छूट देने से संबंधित है। इसके एवज में वो ट्रांसपोर्टर से रिश्वत लेते थे। इस मामले में गिरफ्तार आरटीए की टीम में तैनात एएसआई जसपाल सिंह ने स्टेट विजिलेंस ब्यूरो की पूछताछ में पंचकुला और अंबाला के डीटीओ रहे अमरिंदर सिंह को ट्रांसपोर्ट इंस्पेक्टर अजय सैनी तक 6.5 लाख रुपए पहुंचाने का खुलासा किया था। अमरिंदर सिंह 2019 बैच के एससीएस अफसर हैं, जो अब कैथल एसडीएम के पद पर कार्यरत हैं। दिसंबर 2021 में अंबाला विजिलेंस स्टेशन में एफआईआर दर्ज की थी। इसके बाद उसी दिन 3 आरोपी गुरप्रीत जसपाल और डीवीआर डीटीओ अंबाला करणवीर शेरगिर को गिरफ्तार किया गया था। पूछताछ के बाद उन्होंने इस बात का खुलासा किया कि वो कैसे ट्रांसपोर्टर से रिश्वत लेते थे और उन्हें सुचारू आवाजाही के लिए मासिक आधार पर वाहन के लिए स्टिकर जारी करते थे। हरियाणा में पारदर्शिता और भ्रष्टाचार का खात्मा करने के लिए राज्य सरकार की उम्मीदों पर डीजे विजिलेंस शत्रुजीत कपूर खरे उतरते दिखाई दे रहे हैं। विजिलेंस की कार्यप्रणाली भी काफी हद तक बदल गई है। कांस्टेबल, पटवारी या फिर एजेंट को गिरफ्तार कर खाना पूर्ति करने के आरोपों से इतर विजिलेंस अब बड़ी मछलियों तक भी पहुंच रही है। बीते करीब 4 महीनों में विजिलेंस ने कई बड़ी कार्रवाई की है। बीते दिन ट्रांसपोर्टर से रिश्वत के आरोप में एसडीएम अमरिंदर सिंह को गिरफ्तार किया गया। बहादुरगढ़ में आबकारी एवं कराधान विभाग के आयुक्त को भी विजिलेंस ने गिरफ्तार किया। नायब तहसीलदार, एसडीएम, एससीएस अधिकारियों तक भ्रष्टाचार के मामलों में गिरफ्तारियां हुई हैं। फर्जीवाड़े के आरोपी एससीएस अधिकारी अनिल लागर की जांच चल रही है। आपको बता दें, सितंबर 2021 में शत्रुजीत कपूर को विजिलेंस का निदेशक तैनात किया गया था। नियुक्ति के बाद विजिलेंस के सभी अधिकारियों को पहले ही दिशा निर्देश जारी कर दिए गए थे कि भ्रष्टाचार के मामले में चेन बनाकर तफ्तीश करनी है। ये निर्देश दिए गए थे कि भ्रष्टाचार के मामले में पूरी कड़ियों को जोड़ना है, जबकि 1 या 2 गिरफ्तार कर रिकवरी के साथ ही केस की तह तक जाते हुए इसका खुलासा भी करना है कि भ्रष्टाचार की जड़ें कहां तक हैं। विजिलेंस की धड़ाधड़ कार्रवाई के चलते साफ है कि प्रदेश सरकार भ्रष्टाचार पर नकेल कसने के लिए जीरो टॉलरेंस की नीति का जो दावा कर रही थी, उसका असर अब प्रदेश में दिख रहा है। टीम खबर फास्ट। तो जाहिर तौर पर जिस तरह विजिलेंस धड़ाधड़ भ्रष्टाचार में लिप्त अधिकारियों पर कर्मचारियों पर कार्रवाई कर रही है, उससे साफ है कि प्रदेश में जो दावा सरकार भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस का करती थी, उसका असर प्रदेश में दिख रहा है। इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए कुछ खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। डीपी कौशिक हैं, प्रवक्ता बीजेपी, सुरेश रोड प्रवक्ता कांग्रेस, रजत पंजेटा जी प्रवक्ता एनएलडी और धीरेन्द्र अवस्थी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ सीधे जुड़ गए। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है सर, आज इस डिबेट की चर्चा जो है ये धीरेन्द्र अवस्थी जी से मैं शुरू करूंगा। अवस्थी साहब, जिस तरह से प्रदेश में काम हो रहा है भ्रष्टाचार के खिलाफ, विजिलेंस धड़ाधड़ भ्रष्टाचारी अधिकारियों पर कार्रवाई कर रही है, गिरफ्तारियां कर रही है, क्या लग रहा है कि जो जीरो टॉलरेंस का दावा था वो सरकार पूरा करती नजर आ रही है?
भैया जितना एक्शन इस सरकार में हो रहा है उससे ज्यादा तो सवाल है इस सरकार पर जी। आपने अपने इंट्रो में जो बात कही एसडीएम की गिरफ्तारी की बात कही, तो अभी चंद दिनों पहले तो एसडीएम वहां आया था, क्या इतनी जल्दी वो अपना नेक्सस खड़ा कर लेगा एसडीएम? जाहिर तौर सी बात है कि ये नेक्सस पुराना है, लेकिन नहीं हो रहा, कहां नहीं हो रहा इसका नेटवर्क, और इसमें बिना प्रशासन के बिना मिली भगत के आशीर्वाद के इसका कमीशन कहां कहां जाता है ये सबको पता है जी। एक भी विजिलेंस जांच के अब पिछले 7 साल में इस सरकार में फाइनली निकल के आई, ये किसी को पता है? मुझे तो नहीं लगता कि एक भी विजिलेंस की जांच सामने आई निकलकर। आपने एसपीएससी घोटाले की एम्प्लॉयमेंट नौकरी स्कैम की बात की आपने, उसमें क्या एक एससीएस ऑफिसर इतना बड़ा करप्शन कर सकता है जी। ये अपने आप में सवाल है। चेयरमैन पर एक्शन क्यों नहीं हुआ, ये सवाल लगातार उठ रहा है, और इसके तार निकल के आ चुके कि कहां कहां से जुड़े हुए हैं, मुझे कहने की जरूरत नहीं है जी। तो विजिलेंस जितना एक्शन ले रही है उससे ज्यादा सवाल उस पर उठ रहे हैं जी, जवाब उसके कहीं नहीं है। ठीक है सर, वापस लौटूंगा आपके पास। डीपी कौशिक साहब, देखिए जिस तरह से विजिलेंस कार्रवाई कर रही है, एक तरफ ये मैसेज जा रहा है कि जीरो टॉलरेंस की नीति पर प्रदेश सरकार काम कर रही है और इसी तरह कार्रवाई भी विजिलेंस की टीम कर रही है, लेकिन कई और सवाल जैसा वस्ती साहब ने जिक्र किया, क्या वाकई प्रदेश सरकार की नीति और नीयत भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की है? ऐसा नहीं है, सरकार का तो जो मंशा है वो पहले से नियत साफ है जी। सरकार अपनी तरफ से काम बड़े तरीके से काम कर रही है और जीरो टॉलरेंस की जो नीति अपनाई सरकार ने उस पर ही काम हो रहा है, और पिछले 7 सालों में आपने देखा होगा जहां जहां भी हमें पता चला सरकार को कहीं कहीं ये चीजें को पता चलती है उसी पे सरकार तुरंत कार्रवाई करके उनको जो भी एक्शन लिया जाता है सरकार लेती है। तो ये तो नहीं हो सकता कि विजिलेंस की कार्रवाई सामने नहीं आती, ऐसा कुछ है नहीं। मुझे लगता है अगर कहीं लगता भी है तो आप लोगों के माध्यम से सरकार तक बात पहुंची जाएगी, और मैं भी कोशिश करूंगा कि इस तरह की ढिलाई ना बरती जाए, और मेरे ख्याल से ये सब कहने की जरूरत नहीं है, सरकार पहले ही बहुत चिंतित है और जिस तरह की भी कोई कार्रवाई उनको ऊपर बनती है, कोई अफसर है हमारे जितने भी इस तरह के भ्रष्टाचार में जो भी संलिप्त होता है उसको उस पर तुरंत कार्रवाई सरकार करती है जी। और आने वाले टाइम में भी देखिए जिस तरह की चीजें सामने आएंगी तो सरकार और भी गंभीर होगी, और कभी मुझे लगता है कि शिकायत का मौका ना मिलेगा ये ऐसे सरकार इस रास्ते पे चल के जीरो टॉलरेंस पे बिल्कुल लगाम लगाएगी इस भ्रष्टाचार पे। ठीक है सर, आप जी सुरेश रोड जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता कांग्रेस। रोड साहब, विजिलेंस जिस तरह से पिछले 4 महीनों में काम कर रही है, जिस तरह से भ्रष्टाचारियों पर नकेल कसी जा रही है, क्योंकि लगातार भ्रष्टाचार को लेकर कांग्रेस प्रदेश सरकार पर हमलावर रहती है, लगातार सवाल उठाती है, अब क्या लग रहा है कि क्या कार्यप्रणाली सरकार की बदली है? जहां पर भ्रष्टाचार की जड़ें हैं वहां श्रेणी के कर्मचारी को या ज्यादा से ज्यादा किसी अच्छे से अधिकारी को गिरेबान से पकड़कर विजिलेंस के हाथों से पकड़वाकर श्री मनोहर लाल खट्टर साहब की ईमानदार सरकार अपने आप को ईमानदार साबित नहीं कर सकती जब तक इस भ्रष्टाचार के बड़े खेल में बड़े मगरमच्छों को पकड़कर हरियाणा की जनता के आगे बेनकाब नहीं किया जा सकता, सरकार के द्वारा नहीं किया जाता। इस भर्ती घोटाले की जैसे परतें एक के बाद एक खुलती नजर आई, ये कोई एचसीएस लेवल के अधिकारी का घोटाला नहीं हो सकता, ये बिल्कुल स्पष्ट बात जी। जिस तरीके से मैं कैथल कुरुक्षेत्र से संबंध रखता हूँ, गांव मेरा कैथल जिले में पड़ता है, कुरुक्षेत्र लोकसभा में है, सोने का घोटाला हुआ कैथल में इस सरकार के आने के बाद, और ये इस सरकार में पहली बार देखने को मिला। जो पीड़ित हैं उसमें पुलिस के अधिकारी भी थे, उसमें वकील भी थे, उसमें पढ़े लिखे लोग थे, सारे घोटाले में वो डबल पैसे करना या सोने को डबल में करने का बिल्कुल अनपढ़ व्यक्ति ने इसको अंजाम दिया, काला पाई के नाम से एक व्यक्ति था। और इस सरकार में ईमानदार सरकार के मुख्यमंत्री जी के शासन काल में जो पीड़ित थे, जो पैसे मांगने वाले लोग थे, उनको जब वो अपनी मांग लेकर प्रदर्शन करते थे अधिकारियों के पास जाकर,
तो वो उल्टा लाठी चार्ज उनपे होता था पीड़ितों पे, और जो करके भाग गए उनका आज तक ये नहीं पता कहां पर है। तो ये सरकार इस तरीके से अंजाम देती है भ्रष्टाचार को, जिसमें आज तक जनमानस सोच नहीं सकता था। इनके तरीके अलग हैं, जैसे पेपर लीक के तरीके अलग हुए, जैसे भर्ती के तरीके अलग हुए, जैसे 99 में से 70-72 लड़के यूपी के एसटीओ और जेई भर्ती हो गए। तो ये ईमानदारी का ढोल पीटते पीटते बिना खर्ची और बिना पर्ची की बात करते करते जो अंजाम देते हैं, ये तरीके अलग हैं। इन तरीकों को पकड़ने में, समझने में प्रदेश की जनता को 7 साल लग गए। और ये सरकार से हम मांग करते हैं विपक्ष के तौर पे, कांग्रेस पार्टी की तरफ से, कि वो एक सरकार जो है, जो शपथ ली है उन्होंने संविधान की, प्रत्येक व्यक्ति को वचन दिया हुआ माननीय मनोहर लाल खट्टर जी ने, अगर खट्टर साहब वास्तव में ईमानदार मुख्यमंत्री हैं तो वो कम से कम ये साबित तो करें। जब उनके एचपीएससी के चेयरमैन पे कोई आरोप लगे थे, उनको 3 साल की एक्सटेंशन देते हैं, अरे वो आप कार्रवाई करके अपने राजनीतिक व्यक्तियों पे, एक व्यक्ति पे कार्रवाई करके ये तो साबित कर दें कि आप ईमानदार हैं। ये जो अफसर हैं, ये जो क्लर्क हैं, ये हरियाणा के ही बेटे और बेटियां हैं, जिन पे आप एक एक ही अधिकारी के हाथों दूसरे अधिकारी को पकड़वा कर जेल में डाल भी दोगे तो इसमें आपकी सरकार का, बीजेपी का और आरएसएस तो कोई व्यक्ति नहीं है, जिनके इशारे पर भ्रष्टाचार हो रहा है जी। विजिलेंस के अधिकारी, अगर बड़े से बड़े अधिकारी बैठे हैं, मैं ये नहीं कहता कि विजिलेंस के अधिकारी बिल्कुल रीढ़ की हड्डी नहीं रखते हैं, इस प्रदेश को अगर आज कोई चला रहा है, या प्रदेश में आज अगर ये सरकार चल रही है, या कानून व्यवस्था थोड़ा बहुत जो कायम बचा हुआ है प्रदेश में, शासन तंत्र बचा हुआ है, तो ये सिर्फ अधिकारियों की देन है। मैं धन्यवाद करता हूँ ऐसे अधिकारियों, और आईपीएस स्तर के जो बड़े अधिकारी विजिलेंस में बैठे हैं, हमारी तो उनसे प्रार्थना है कि सरकारें आनी जानी है, आप लोग ही इनके गिरेबान पे हाथ डाल लीजिए। ठीक है सर, पहले तो इतनी बड़ी कार्रवाई, इतने बड़े अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं होती थी, अब कम से कम कार्रवाई हो रही है और जांच चल रही है। जांच के बाद जो आप कह रहे हैं कि बड़ी मछलियों तक भी पहुंचे, उन तक भी पहुंचा जाएगा। पहले आप मुझे एक एग्जांपल बता दीजिए ना, आपको ये सवाल किसने रटा दिया कि पहले कार्रवाई नहीं होती, सिर्फ कार्रवाई होती है? अरे इस देश का रोड साहब, त्यागी जी, ठीक है, आऊंगा, सुन लीजिए, मैं एक मिनट मेरी बात पूरी होने दीजिए। इस देश का ही, भारत का तो ये इतिहास रहा है कि यहाँ तो अगर रेल की दुर्घटना हो जाती थी, माननीय रेलवे मंत्री पंडित लाल बहादुर शास्त्री जी रिजाइन दे दिया करते थे। इस देश की ये परंपरा है, और आज आप कह रहे हैं कि यहाँ कार्रवाई नहीं होती थी पहले। ये सवाल आपको नागपुर से या दिल्ली से दिया गया है क्या? आप इस टाइप की बात करके जनता को गुमराह करते हैं। अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने डिजिटल इंडिया का एक ताजा उदाहरण आया, डिजिटल इंडिया से इतना हिंदुस्तान नहीं सीखा था, और ज्यादा से ज्यादा 80% लोगों को जो भ्रम था ना, अभी दो चार दिन पहले प्रधानमंत्री जी का क्लियर हो गया, यहाँ तो सिस्टम फेल होने से भ्रम दूर हुआ है। आप ठीक है सर, ये बातें कर रहे हैं, इससे ठीक है। सुरेश रोड साहब, आप कह रहे हैं कि ये सवाल आपको किसने रटा दिया? ये आप कह रहे हैं कि नागपुर से सवाल आए हैं क्या? मुझे लग रहा है क्योंकि तमाम टीवी डिबेट्स में बैठकर कांग्रेस प्रवक्ताओं से जब सवाल करते हैं ना, तो कांग्रेस प्रवक्ता भी एक रटी रटाई स्क्रिप्ट बोलते नजर आते हैं। यही आजकल कांग्रेस के प्रवक्ताओं का ट्रेंड हो गया कि टीवी डिबेट्स में बैठकर नागपुर का नाम ले दो या फिर इस तरह की बातें करो। अगर जवाब है तो आप जवाब दीजिए, जवाब नहीं है आप ये बताइए, आपकी सरकार में मुख्यमंत्रियों पर आरोप लगे थे कि नहीं लगे थे? तब क्या नैतिक तौर पर उन्होंने इस्तीफा दिया था क्या? कितना रिजाइन दिया? पूरी कांग्रेस जो आप बात कह रहे हैं उसमें बताइए मुझे, सेंटर सरकार तक भी। मैं आपको दोबारा से दोहराता हूँ, हमारी सरकार में जिस पे आरोप नहीं लगे आप ये बताइए ना किसने नहीं है। मैंने मेरी बात आप सुन ही नहीं रहे जी। मैं ये कह रहा हूँ, यहाँ तो अगर रेल की घटना घट जाती थी, रेल की दुर्घटना हो जाती थी, तो माननीय रेल मंत्री रिजाइन दे दिया करते थे हमारे समय में। तो नहीं, ठीक है सर, भ्रष्टाचार का मुद्दा है, भ्रष्टाचार पर बात हो रही है। एक भी राजनीतिक व्यक्ति के ऊपर कार्रवाई की हो तो बताइए आप, एक अच्छे अधिकारी को, और वो भी जब विजिलेंस ने पहले क्यों नहीं पकड़ा, वो जब उसके पार्टनर ने शिकायत की तब हुआ ऐसी कार्रवाई? आप ये बताइए ना कि जब किसानों के आंदोलन के ऊपर इतनी यहाँ पर लाठीचार्ज तक की गई, आपने कौन से अधिकारी पे कार्रवाई कर दी? आप किस तरीके की बातें कर रहे हो इस डिबेट में? आप विषय के ऊपर आके बात कीजिएगा। मैं ये कह रहा हूँ, आपको दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ये सवाल नागपुर से हो सकता है, ये सवाल ठीक है सुरेश रोड साहब। सुरेश रोड साहब देखिए, आप मुझे लगता है कि आप ठीक है, आप प्रवक्ता हैं एक बड़ी पार्टी के, लेकिन आपने आजकल न्यूज़ चैनल से यूं कहे खबरफास देखना तो कम से कम छोड़ दिया, क्योंकि अगर आप खबरफास को देखते और खबरफास की
खबरों को आपने देखा होता तो आप ये बात नहीं कह रहे होते। खबरफाज जितनी निष्पक्षता और जितनी जिम्मेदारी के साथ खबरें दिखाता है, सवाल पूछता है, ये प्रदेश के साथ साथ देश की जनता भी देखती है। लेकिन जो आपने जी बड़ी अच्छी बात आपने कही है, अगर आप ऐसा कर रहे हैं और मैं इसको अप्रिशिएट करता हूँ, इस चीज में मुझे कोई आपसे पूर्वाग्रह नहीं है। मैं एक कॉमन मीडिया की बात कर रहा हूँ, मैं सिर्फ कोई खबर फास्ट के ऊपर मैं कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगा रहा। मैंने एक जो मीडिया में ट्रेंड चल रहा है मैं उसके ऊपर बोल रहा हूँ, और मीडिया के जरिए मीडिया के बारे में अगर हमारी कोई आपत्ति है या हमारी कोई बात है तो हम रखना चाहेंगे। ये हमारी ड्यूटी भी है पार्टी के विपक्ष के तौर पे, देश की जनता से विपक्ष की ड्यूटी भी बनती है। चलिए ठीक है सर, वापस लौटूंगा आपके पास और जो आप बात कह रहे हैं उसको लेकर अवस्थी साहब के पास भी जाऊंगा कि अब जो स्थिति है, जिस तरह से कार्रवाई हो रही है, क्या पहले इस तरह से कार्रवाई होती थी या नहीं होती थी, या फिर जो जिस तरह की कार्रवाइयां अमल में लाई जाती थी उसमें छोटे मोटे कर्मचारियों को गिरफ्तार कर उन पर कार्रवाई कर इतिश्री कर ली जाती थी, उस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन एक बार पंजेटा साहब को भी डिबेट में शामिल कर लें। पंजेटा साहब, दावा था, वादा था प्रदेश सरकार का भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करने का। विजिलेंस लगातार अब कार्रवाई कर रही है, बड़े अधिकारी भी अब लपेटे में आ रहे हैं, आपका रिएक्शन? देखिए भविष्य जी, आप ही की बात को और यहाँ वरिष्ठ पत्रकार है धर्मेंद्र अवस्थी जी, उन्हीं की बात को मैं आगे बढ़ाऊंगा। आपने कहा कि विजिलेंस अब कार्रवाई कर रही है, जो ये शब्द अब है जी, ये अब शब्द बड़ा दिलचस्प है। ये अब शब्द क्यों है? क्या ये अब कार्रवाई इसीलिए कर रही है कि ताकि ये जो 3.5 करोड़ कैश और चैट में कहीं ना कहीं सीधे तौर पे चेयरमैन को का नाम लेना कि उनके लिए कैश आया था जी, तो क्या ये अब जो HPSC दफ्तर में 3.5 करोड़ रुपया पकड़ा गया और 5 करोड़ आना था, क्या ये उससे ध्यान भटकाने के लिए अब कहीं ना कहीं जो है छोटे मोटे कर्मचारियों के ऊपर और HCS है, ये अंबाड़ा का किस्सा अभी आप जो दिखा रहे हैं, जो हैवी ओवरलोड गाड़ियों को निकलवाते थे जी, एक किस्सा अभी आपने दिखाया वो झज्जर का था, वो शायद एक्साइज डिपार्टमेंट का है जी, और जो आप ये जो किस्से दिखा रहे हैं इससे देखिये विजिलेंस डिपार्टमेंट का तो काम ही ये है जी। लेकिन अगर आप ये कह रहे हैं कि अब जीरो टॉलरेंस, अब कार्रवाई कर रही है, और जैसे कि अभी हमारे वरिष्ठ पत्रकार धर्मेंद्र अवस्थी जी भी बोल रहे थे, देखिए 28 एक दो बार पेपर लीक हो जाए समझ में आता है जी। कि हम मान सकते हैं कोई टाउट इन्वॉल्व होंगे, अगर 28 से 29 बार इस सरकार में पेपर लीक होता है तो आम तौर पे जनता और उनके पेरेंट्स विश्वास खो चुके हैं, युवा विश्वास खो चुका है, एक के बाद एक पेपर के पैसे जमा कराने के बाद उनके जो भर्तियां रद्द की कर दी जाती हैं, कईयों को अपॉइंटमेंट लेटर नहीं मिले, रिजल्ट निकाल दिए जाते हैं। आज देश में बेरोजगारी पे हरियाणा नंबर वन है और पोस्टें वैसे ही नहीं है, जॉब्स वैसे ही नहीं है, और एक क्या प्रथा शुरू कर रखी है इन्होंने, ठेका प्रथा। आप अब ये बात आती है हमारी जीरो टॉलरेंस की, और किसको सजा हुई? अनिल विज जी ने SIIT, वैसे अनिल विज जी बधाई के पात्र हैं, उन्होंने इन्वेस्टिगेशन करवाई, SIIT बनाई, आज तक उनकी रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं किया गया। कितने शराब घोटाले के अंदर क्या हुआ आप सब जानते हैं, आप सारे पत्रकारों से कुछ नहीं छुपाए, रजिस्ट्री घोटाले में क्या हुआ आप सब जानते हैं, किसी से नहीं छुपाए। उनकी अनिल विज जी इंक्वायरी कराते हैं, उनकी कोई रिपोर्ट सार्वजनिक करने को तैयार नहीं है। तो अगर आप ये जो अब शब्द है पूरे डिबेट में, हाँ अब कार्रवाई, अब जनता को दिखाएंगे, आप क्या है जनता की आंखों पर धूल नहीं झोंक सकते। वो 3.5 करोड़ रुपए, इतनी हिम्मत नहीं हो जाती एक HCS अधिकारी की? लगाया किसने उसको अप सचिव? पोस्ट ही नहीं थी। अरे आप ये बताइए, कार्डर में पोस्ट ही नहीं थी, इन्होंने तो पिछले साल ही उनको वो किया है, इसको पोस्ट को रेगुलराइज, उप सचिव जैसी कोई पोस्ट नहीं थी। ये जो चेयरमैन है, देखिए ये मुख्यमंत्री जी के साथ मुख्यमंत्री का रेजिडेंस पे थे, तो ये जो उनके खास हैं बिल्कुल, और अगर कहीं ना कहीं इतना भारी भरकम कैश, हम कोई 35,000 की बात नहीं कर रहे, हम 3.5 लाख की बात नहीं कर रहे, हम 3.5 करोड़ की बात कर रहे हैं, 350 लाख, उसके बाद वो 500 लाख होना था, वो इतना जो मोटी रकम है वो सब कोई इल्जाम या आरोप नहीं है, ये विपक्ष का सवाल नहीं है, ये क्या है, ये पैसा मिला गया है। और सबसे देखिए आप दिलचस्प क्या है भविष्य, दिलचस्प ये है, मैं डेंटल सर्जन ग्रुप डी से लेके क्लास वन की भर्तियों की बात नहीं कर रहा, यहाँ जुडिशरी HCS जुडिशियल जज बेचे जा रहे हैं। अगर कोई जज बेचेगा क्या इंसाफ करेगा, वो अपने पैसे पूरे का करेगा अगर वो पैसे लेके आएगा। आज तक इन्होंने वो भर्ती रद्द नहीं की है जिसके ऊपर इतने प्रश्न चिन्ह है,
पैसा मिल चुका है, बरामद हो चुका है, आज तक वो भर्ती रद्द नहीं हुई है। अभी भी सिर्फ 32 कैंडिडेट के ऊपर वो है जिनकी ओएमआर शीट आई है, डबल डबल स्कैन की है। नीचे की भर्तियां हैं, एसपी कैथल लोकेंद्र सिंह का बयान था सब इंस्पेक्टर वाली भर्ती के अंदर, 1 करोड़ रुपए में आंसर की डील हुई, 20 लाख रुपए एडवांस दिया गया, या लाखों में बात है या 25-25 लाख रुपए ब्लैंक चेक मांगे जा रहे हैं भर्तियों के लिए। मैं हद मानता हूं, इतना बुरा आलम अगर ये आज कभी बोले ना, इनके पास जवाब नहीं है। आपको जाने है, मुंह छुपाने, आप पिछले इतिहास खंगालना शुरू कीजिए, आज से 10-20 साल पहले क्या हुआ था, ताकि जनता को आप बेवकूफ बना सके। लेकिन आज प्रेजेंट, आज के समय में जो 3.5 करोड़ रुपया मिला है, मैं बिल्कुल नहीं मानता कि वो सिर्फ एक एचसीएस अधिकारी और वो एक कैंडिडेट के लिए था। ये फर्जीवाड़ा पिछले पूरे 7 साल में, पिछले जो इससे पहले उप सचिव थे उनके, प्रद्युमन सिंह उनके कार्यकाल का भी पूरी जांच होनी चाहिए। ये तो क्या है, सामने आ गया, क्या पता ये ऐसा भी संदेह है कि पकड़ना किसको था, पकड़ा कोई और गया कि यहां तक तार चले जाएंगे, क्या पता विजिलेंस के ऊपर भी दबाव हो। अगर आप अभी उससे ध्यान अटकाने के लिए, ये डिपार्टमेंट विजिलेंस का किस लिए बनाया है, ये अधिकारियों भ्रष्ट अधिकारियों को रंगे हाथ पकड़ने के लिए ही तो बनाया है। लेकिन अगर आप ये शब्द का इस्तेमाल करें कि एकदम कार्रवाई होनी शुरू हो गई, बिल्कुल नहीं, गलत बात है। विजिलेंस डिपार्टमेंट बधाई का पात्र है जो अपना काम कर रहा है, अनिल विज जी कराते हैं, बार बार एसआईटी गठित करते हैं, रिपोर्ट तैयार कराते हैं, लेकिन उनको सार्वजनिक नहीं किया जाता। शराब घोटाला, विधान घोटाला, रजिस्ट्री घोटाला, एक के बाद एक घोटाला, उसके बाद अभी आप दादम में देखिए, दादम के अंदर तो सीधा माननीय सुप्रीम कोर्ट ने प्रदेश के मुख्यमंत्री की इंटेग्रिटी पे सवाल उठाया है। एसएलपीएस सुंदर मार्केटिंग एसोसिएट्स वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा, उसके अंदर ये नॉन एलिजिबल पार्टी है जो कि ऑप्शन में शामिल भी नहीं हो सकती। वो फॉरेस्ट लैंड है, वो फॉरेस्ट एरिया है, आपकी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है, उसके ऊपर आपने जो अभी उन्होंने 9 सदस्यीय कमेटी गठित की है उसके अंदर, जिसको हेड करेंगे एसएस प्रसाद। ये एसएस प्रसाद दिलचस्प है, रिटायर्ड होम सेक्रेटरी है हरियाणा के। अगर इनका जो लड़का है वो मैरिड है जेसी मोदी जी की लड़की को, और जेसी मोदी जी वही है जो गोधरा कांड के अंदर सीबीआई इंक्वायरी में प्रधानमंत्री जी को क्लीन चिट दे चुके हैं, आप क्यों नहीं, दादम वाला जो लैंड माइनिंग का स्कैम है, उनको बोला गया तो उसे अधिक खोदी गई, सीधा 90 डिग्री पे खोदी गई, जबकि एक एंगल पे खोदनी चाहिए। इतने बार 4 लोगों की डेथ हुई, उसके बाद नागर चौधरी, आप एक के बाद पूरा हरियाणा बेच के खा चुके हो माइनिंग के अंदर। आपकी ये देखिए, अगर आप इस साइड जाएं, ये रदौर, ये जगाधरी यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट के अंदर बुरा हाल है वहां माइनिंग का। क्या सरकार के नीचे कोई ऐसी जगह है जहां पे लूट खसोट माइनिंग, उसके बाद करप्शन, उसके बाद ये सब नौकरियां बेची जा रही है, हर डिपार्टमेंट में करप्शन है। अभी पिछले दिन अभी आपके ऐसे ये धीरज सेतिया है गुरुग्राम में, वो सुना है अपने घर से आईपीएस जो है वो भाग गए, उनका नाम भी कहीं ना कहीं बीच में आ रहा था। अरे आप एक बताइए कि कौन सा ऐसा क्षेत्र है जहां पे करप्शन चरम सीमा पे नहीं है, आप एक बात बताइए कौन सा ऐसा क्षेत्र है। ठीक है सर, जवाब नहीं लेते, आप दादा में जुडिशियल इंक्वायरी क्यों नहीं कराते हैं, ठीक है सर, कोर्ट की निगरानी में उसकी निगरानी क्यों नहीं कराते हैं। डीपी कौशिक साहब, एक लाइन पे देखिए, वादा तो आप कर रहे हैं जीरो टॉलरेंस की नीति, और ये कार्रवाई भी अब लगातार दिखाई दे रहे हैं, और खास करके बीते 4 महीनों से जब से शत्रुजीत कपूर साहब विजिलेंस के डीजी बने, उसके बाद ये त्वरित कार्रवाई हो रही है। लेकिन जब आप ये कहते हैं कि हम जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रहे हैं, तो क्यों उन लोगों पर कार्रवाई नहीं होती जो इन भ्रष्ट अधिकारियों को संरक्षण देते हैं? साथ ही साथ सवाल ये भी है कि क्या अभी तक, क्योंकि दूसरा टेन्योर मुख्यमंत्री का है, क्या अभी तक ब्यूरोक्रेसी जो कि भ्रष्ट, यूं कहें जो भ्रष्ट एक हिस्सा ब्यूरोक्रेसी में है, उस पर आप नकेल अभी तक नहीं कस पाए? देखिए अवस्थी जी, मुझे तो थोड़ा सा मतलब हास्य पर बात सामने आ रही है कि जो दो मेरे विपक्षी मित्र जो इतना ज्ञान बांट रहे हैं यहाँ बैठ के, जिनके दोनों मुख्यमंत्री, एक तो 10 साल की सजा काट के आ गए, दूसरे अभी घेरे में उनके ऊपर केस चल रहा है भ्रष्टाचार के ऊपर, वो लोग यहाँ बैठ के ज्ञान बांटेंगे? मैं कहता हूँ 7 साल के दौरान पे माननीय मुख्यमंत्री कटर साहब के ऊपर कोई भी आरोप बता दीजिए मुझे, सरकार पे आरोप ये लगा सकते हैं हरियाणा की जनता, किसी ने लगाया मुझे बता दीजिए, कौन सा भ्रष्टाचार और कौन सा अधिकारी आज मुझे बता दिए जो बाहर घूम रहा है, जो जिसको भी पता चला अगर वो सलाखों के अंदर नहीं गया तो मुझे मेरे विपक्षी भाई उनका नाम बता दे। कैसी बातें मुझे समझ में नहीं आ रही कर रहे हैं ये, कि सरकार जब 7 साल से लगी हुई है
जो भी भ्रष्टाचार करता है उसको तुरंत उसी टाइम पे कार्रवाई होती है उसके ऊपर। और सरकार ने पहले भी कहा है कि भ्रष्टाचार का अंत करेंगे, और सरकार यही काम करने जा रही है और शुरू से करती आ रही है। आप हरियाणा प्रदेश की सरकार पर लगा जी, पूरे सेंटर तक चले जाइए, जो भ्रष्टाचार 70 सालों में इन पार्टियों ने किया है, सर देखिए तमाम समाया करने के बाद दिन जिस एचसीएस अधिकारी की गिरफ्तारी हुई ट्रांसपोर्टर से रिश्वत लेने के मामले में, 2019 कैडर का अधिकारी, दो सालों में क्या इतना बड़ा नेक्सस उसने ऐसे ही खड़ा कर लिया, ये सवाल है। मैं कह रहा हूं जी, किसी को छोड़ा गया क्या? जब सरकार के सामने बात आती है तो सरकार पर आरोप तब लगते हैं कि सरकार उन पर कार्रवाई ना करे, तब तक मान लेता हूं मैं जी। सरकार को तुरंत जब भी पता चलता तुरंत उसके अवसर पर आती, कोई भी प्रशासनिक अधिकारी उस पर कार्रवाई नहीं होती तो मुझे बता दीजिए जी। तो सर, जब सरकार जीरो टॉलरेंस का वादा कर रही है और भ्रष्टाचार को खत्म करने की हम लोग बात कर रहे, तो किसी विषय में बात कर रहे होंगे ना। चलिए, वक्त एक ब्रेक का है, मैं आपके पास वापस लौटूंगा। सवाल ये भी है कि क्या सरकार इतनी अनभिज्ञ है कि प्रदेश में एक तबका अधिकारियों का भ्रष्टाचार में लिप्त है और सरकार इससे बिल्कुल अनजाने? अवस्थी साहब, इस पर रिएक्शन लेने के लिए ब्रेक के बाद आपके पास आऊंगा। फिलहाल रुक रहे, एक छोटे से ब्रेक के लिए, चर्चा जारी है। लाखों किसानों का भरोसा असीस फीड। बाकी फीड बोलते नंबर वन है, कुछ टाइम दूध भी बढ़ाते हैं, लेकिन पशुओं को देखो, बीमारी कमजोरी, दो दिन का फायदा फिर घाटा ही घाटा। फीड का असली काम करे असीस फीड, ये पशु की सेहत बनाए और बरकरार रखे। नतीजा, सालों साल बेहतर दूध, बीमारियों से लड़ने की ताकत और बच्चे जनने की काबिलियत। बेहतर दूध, बेहतर स्वास्थ्य, सालों साल। हर तरफ है शोर का दम, सबके बीच बवाल ज्यादा खबर कम, आपके लिए उत्तरदायी है हम। अपराध से राजनीतिक शह तक, हर मुद्दे की तह तक, हर खबर का पूरा निचोड़, ग्राउंड जीरो से ग्राउंड रिपोर्ट, सोमवार से शुक्रवार शाम 5:25 पर सिर्फ खबर फास्ट पर। अरे भैया, तुम्हें कब से क्या? लोग ऐसी गंभीर समस्या को हंसी मजाक में उड़ाते, खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण आज ही लें। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा, हर रोग दफा। कबीर अमृतजाइन सिरप 3-in-1 फॉर्मूला के साथ एक ही बोतल में 3 कोड़, लिवर टॉनिक भी है, एंजाइम भी है और एंटासिड भी है। इसके है कई फायदे, शराब से होने वाले साइड इफेक्ट से राहत में सहायक, आपके लिवर को बनाए अंदर से स्ट्रॉन्ग। आयुर्वेदिक अर्क पद्धति द्वारा निर्मित कबीर अमृत जाइम सिरप। मुल्तानिको का कफ सिरप, तुलसी, वसा, यस्ती मधु, पिपली के गुणों से भरपूर, जो खांसी पर करे तुरंत असर, ताकि बदलते मौसम के साथ आप न बदलें। खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण आज ही लें। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा, हर रोग दफा। क्या आप भी हैं लंबी बीमारी से परेशान? जाने माने डॉक्टर बताएंगे आपकी समस्या का समाधान। देखिए आपका डॉक्टर अब नए समय पर शाम 6:25 पर सिर्फ खबर फास्ट पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। तो हरियाणा में विजिलेंस की टीम लगातार भ्रष्ट अधिकारियों पर कार्रवाई कर रही है, लेकिन सवाल ये उठ रहा है, क्या प्रदेश सरकार जीरो टॉलरेंस का जो दावा कर रही थी, क्या प्रदेश सरकार और कार्यप्रणाली उस पर खरा उतर रही है? अवस्थी साहब, मैं आपके पास आ रहा हूँ। जिस तरह से कौशिक साहब कह रहे थे कि किसी भ्रष्टाचारी को छोड़ा नहीं जा रहा है, सब पर नकेल कसी जा रही, कार्रवाई हो रही है, सवाल ये था कि क्या सरकार, जब इतने बड़े स्केल पर एक भ्रष्टाचार सामने आता है, तो क्या सरकार उससे अनभिज्ञ रह सकती है? और अगर इन भ्रष्ट अधिकारियों को किसी का संरक्षण मिल रहा है, तो क्या सरकार को ये पता नहीं चलता? भविष्य जी, जीरो टॉलरेंस एक ऐसा फ्रेज बन गया इस देश में जिसका हर सरकार इस्तेमाल करती है जी, लेकिन ग्राउंड रियलिटी इससे अक्सर अलग होती है। एक्शन हो रहा है, निश्चित तौर पर एक्शन हो रहा है, लेकिन सवाल ये है कि एक्शन कहां हो रहा है, किस पर हो रहा है जी। ये सारे मैटर डीप रूटेड हैं।
क्या हम जो करप्शन जहां से इसका ओरिजिन हो रहा है, जहां से पैदा हो रहा है करप्शन, क्या हम उसकी गर्दन पकड़ रहे हैं? पिछले विधानसभा सत्र में एक व्हाट्सएप चैट पड़ी गई थी सदन के पटल पर जी, उसमें मोबाइल नंबर भी बताया गया था, ऐसा माना गया था कि वो एचसीएस अनिल लागर जिनकी गिरफ्तारी हुई है नौकरी स्कैम में जी, और चेयरमैन के बीच की व्हाट्सएप चैट थी, ऐसा माना गया था, उसमें मोबाइल नंबर भी बताया गया था। सरकार के लिए बहुत छोटा काम था कि उस मोबाइल नंबर की सारी डिटेल वो निकाल लेती और सामने रख देती। मुझे लगता है दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता जी। अगली बात मैं ये कि अभी इलीगल माइनिंग की बात हो रही थी, दाडम भिवानी के दाडम में अभी जो घटना हुई सबको पता है, उसमें 5-6 लोगों की डेथ हुई जी। उसकी सारी स्टोरी भी सामने आ चुकी है कि किस लेवल पर करप्शन कहां कहां है। माइनिंग के लिए हर लेवल पर परमिशन दी गई वहां पर, और इसमें अगर इसकी सच्चाई सामने आएगी तो उसमें बहुत सारे लोग बेनकाब हो जाएंगे, लेकिन वो सच्चाई कभी आएगी नहीं सामने जी। अगली बात जो मैं कह रहा हूँ, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया जी, नियंत्रक महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट सदन में हर वर्ष रखी जाती है विधानसभा में जी, लेकिन वो ऐसे समय रखी जाती है कि उस पर चर्चा भी ना हो पाए, और हर रिपोर्ट में इरेगुलरिटीज सामने आती हैं, लेकिन वो औपचारिक डस्टबिन में डालने से ज्यादा उसका कोई इंपॉर्टेंस कभी नजर नहीं आता जी। क्या सरकार की जिम्मेदारी नहीं है कि नियंत्रक महालेखा परीक्षक जो हर साल रिपोर्ट दे रहा है, कागज के पन्ने वो काले कर रहा है, उस पर वो कोई बात करे, उस पर कोई एक्शन ले, लेकिन ना वो दिखता है ना करने की मंशा समझ में आती है जी। और ये सरकारों के साथ होता है, ऐसा होता है सरकारों के साथ जी। तो करप्शन कंट्रोल करना, एक्शन लेना, ये सरकारों की जिम्मेदारी होती है। अगर काम नहीं हो रहा है तो हमारा सवाल खड़े करना हमारी जिम्मेदारी होती है। सवाल तो सत्ता से ही किए जाते हैं, अपोजिशन से सवाल तो जब अपोजिशन सत्ता में आएगा तब उससे फिर सवाल किए जाएंगे, लेकिन आज की डेट में जो पार्टी सत्ता में है उसी से सवाल किए जाएंगे। अब अभी इंट्रो में जो आपने बात गई वो एसडीएम की गिरफ्तारी की बात, उसमें भी कई कहानियां सामने आई है निकल के जी। कि वो अब उसमें जैसे मैंने एक बात कही कि क्या ये इतने थोड़े दिनों में उस एसडीएम का नेक्सस बन जाएगा कि वो वसूली करना शुरू कर देगा। जाहिर सी बात है कि डीप रूटेड मैटर है सारा ये जी। सरकार को इसके तय तक जाना पड़ेगा। ठीक है सर। कौशिक साहब, एक सवाल आपसे ये बन रहा है कि देखिए कैग की रिपोर्ट पर भी आप ट्रांसपेरेंसी नहीं बरत रहे हैं, उस पर बातचीत विधानसभा में नहीं हो रही है, तो किस तरह से जो जांच अब हो रही है, जो कार्रवाइयां हो रही है, उन पर कैसे विश्वास होगा कि जो संरक्षण दे रहे हैं भ्रष्टाचारियों को उन पर लगाम आप कसेंगे? इस पर मैं आऊंगा, लेकिन कुछ रिएक्ट करना चाह रहे थे हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं मेहमान। पंजेटा साहब कुछ रिएक्ट करना चाह रहे थे। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। देखिए मैंने आप जब मैंने पहले कहा था, मैंने तभी बोल दिया था कि ये जो है ये अब इनके अगर कोई जवाब नहीं होगा तो इतिहास खंगालने लगेंगे। अच्छा हुआ इन्होंने यहाँ जिक्र किया, जिसका मैं एक्सपेक्ट भी कर रहा था कि शायद ये अपने आज की कमियां छुपाने के लिए इतिहास में जरूर जाएंगे जी। इन्होंने नाम लिया हमारे मुख्यमंत्री का और उन्होंने कहा कि वो करप्शन के केस में जेल काट के आएंगे। मैं इनसे आज टीवी पे बैठ के चैलेंज करता हूँ, आप मुझे सिर्फ एक रुपए की ट्रांजैक्शन, एक रुपया भी किसी से लिया हो। बड़ा दिलचस्प है, मैंने हम शुरू से कहते हैं ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा द्वारा, कांग्रेस द्वारा राजनीति से प्रेरित, और जबकि उनका चार्शीट में नाम भी नहीं था चौधरी ओम प्रकाश जी चौटाला का, बाद में उनका नाम कांग्रेस की सरकार आने के बाद। एक मिनट खत्म करने दीजिए, आप उसके बाद बोलिएगा। सप्लीमेंट्री चार्जशीट में उनका नाम ऐड किया जाता है और आपके 29 बार पेपर लीक हो चुके हैं, कोई छोटी मोटी बात नहीं है। मैं तो 350 लाख रुपया बरामद किया है, और एक रुपया अगर आप बता दीजिए बरामद की, पूरा केस निकाल के देख लेना कि एक रुपया का भ्रष्टाचार का केस है और एक रुपया नहीं। और जिन 3206 एक सिर्फ भर्ती, वो भर्ती को हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज होती है। 3206 जो टीचर लगे थे उनकी प्रमोशन भी होती है, उनको इंक्रीमेंट और आगे आगे उनकी प्रमोशंस के साथ उनको सारे बेनिफिट्स भी मिलते हैं। तो देखिए कितना दिलचस्प है, और जो शिकायत करता है वो खुद जेल में है, संजीव जो आईएएस अधिकारी है जी। वो सुपारी देने के उसमें भी अंदर है, जब वो हरियाणा बोर्ड में था तब वहां उसका कुछ खरीद फरोख्त घोटाले में नाम था,
ऐसे व्यक्ति की कंप्लेनेंट भी उतनी जेल अवस्थी जी वो अधिकारी भी नहीं का था। भ्रष्टाचार की परिभाषा क्या मानने आप न्यायालय पे आवाज उठा रहे हैं, आप न्यायालय बल संभाल रहे हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कहने से आपको एफआईआर दर्ज करवा दी गई क्या वहां पे? दूसरा न्यायालय का फैसला था वो, अगर भ्रष्टाचार था तो न्यायालय के अंदर वो जेल के अंदर गए ना, आपने लिस्ट कर ली, आपने किसी और को किसी और की जगह और को लगाया, ये क्या था? ये भ्रष्टाचार नहीं है क्या? बताइए मुझे एक बार, आपकी नजर भ्रष्टाचार की परिभाषा क्या रंजित है, बताएंगे जब आप मुझे? अरे आप सुनिए ना, आप लॉ आप इसका मतलब आप पूरी सरकार पे आप न्यायालय पे आवाज उठा रहे हैं कि आप आपको लेकिन न्यायालय भी आपके लिए गलत है। मैं तो समझ नहीं आ रहा किस बात की भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं आपको कौशिक जी। एक तो बीच में भ्रष्टाचार तो भ्रष्टाचार ही है ना, आप किसी आदमी को जो क्वालिफाइड आदमी उसको ना लगा के अपने अपन दरबारियों को भरोगे तो भ्रष्टाचार ही है ना वो। अरे कैसे रजत जी आप ये परिभाषा हमें मत सिखाइए, ये प्रदेश की जनता जानती है कि आपसे ज्यादा भ्रष्टाचारी नेता इस हिंदुस्तान में कभी पैदा हुए नहीं। जितनी पार्टी आपकी भ्रष्टाचारी हो आपने तो रिकॉर्ड तोड़े, सबसे बड़ा कांड जो है वो आपके आपके आईएलडी पार्टी का हुआ है, बताइए मुझे इतिहास गवाह है नहीं हुआ बताइए मुझे, कौन से कांड की बात कर रहे हो आप? किस किस को सफाई देंगे रजत जी, किस किस को सफाई देंगे बताइए मुझे एक बार, आप कौन से कांड? आप हरियाणा ही प्रदेश की जनता को ये बताना चाह रहे हैं कि हमने भ्रष्टाचार नहीं किया? आप कौन से कांड की बात कर रहे हो? एक रुपया तो साबित कर दीजिए। नहीं आप बता दीजिए मुझे एक बार, जिसमें 10 साल माननीय आपके पूर्व मुख्यमंत्री रह के आए अंदर आपको वो भ्रष्टाचार ही दिखाई नहीं देता? एक मिनट, अगर वहां भ्रष्टाचार हुआ है तो आप एक रुपए का भ्रष्टाचार साबित कीजिए, आप सरकार में बैठे हैं। इसको क्या बता रुपए कितने लिए? आपने तो कैंडिडेट बदले, क्यों वो भ्रष्टाचार नहीं है? आपने किसी आपको कैंडिडेट लिस्ट बदली क्यों? भ्रष्टाचार ही नहीं है इसका मतलब? न्यायालय ने आपको वैसे अंदर कर दिया। एक मिनट ये देश की जनता आप नहीं बहकने वाली है। आप रजत जी आप विपक्ष में अच्छे हैं, आप बैठे रहिए, आप हीरो से जीरो पे आ चुके हैं। जवाब दीजिए मुझे, देखिए आप भ्रष्टाचार की सरकार होगी, सरकार बदलेगी, कांग्रेस पर आरोप लगेगी कि राजनीतिक विद्वेष के चलते इस तरह के आरोप लगा दिए गए, इस तरह की एफआईआर दर्ज करा दी गई। ठीक है मैं आ रहा हूँ डीपी कौशिक साहब जी, आप अगर आप में सही है मैं तो सुनिए, आप कह रहे हैं कैंडिडेट गलत थे तो आपने वो जो है आप न्यायालय से पूछिए ना, हमें क्या बता रहे हैं? फैसला न्यायालय ने किया, हमने नहीं किया फैसला। अरे आप सुन तो नहीं रहे हो, आप न्यायालय से पूछिए, वहां पे आपके पास तो उच्च न्यायालय भी था, गए क्यों यहाँ पे? सब जगह सब जगह सारे आपकी नजरों में न्यायालय जीरो है, कैसी बात कर रहे हैं आप? ठीक है सुरेश रोड साहब भी हमारे साथ जुड़े हैं, बचाव कर रहे हैं। सुरेश जी देखिए पंजेटा साहब तो कह रहे हैं कि हुड्डा साहब ने राजनीतिक विद्वेष के चलते आरोप उनके नेता पर लगवा दिए थे, आज भी कोई भ्रष्टाचार साबित नहीं कर सकता, हुड्डा साहब पर भी आरोप लगे, क्या 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 एक राजनीतिक पॉलिटिकल सिस्टम ऐसा हो गया है कि एक दूसरे की सरकारों पर आरोप लगते रहेंगे लेकिन भ्रष्टाचार पर नकेल कोई सरकार नहीं कस पाएगी? भविष्य जी मेरा इस विषय में यही कहना है कि जो ओम प्रकाश चौटाला जी पूर्व मुख्यमंत्री के जेल जाने या भ्रष्टाचार के आरोपों में गिरफ्तार होने की बात अभी की जा रही है जी, इसमें बीजेपी भी दूर की दूरी नहीं है, क्योंकि दोनों सहयोगी दूर थे और दोनों ने मिल बांट के खाया था, ये कांग्रेस पार्टी का कहना है। दूसरी बात, राजनीति में आरोप और प्रतिरोप चलते रहते हैं, लेकिन अगर कोई न्यायालय के द्वारा दोषी ठहराया जाता है तो वो गुनाहगार है, बिल्कुल तो जो गुनाहगार साबित हो चुके हैं तो वो गुनाहगार हैं, आरोप चाहे हमारे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर भी लगे हों, अगर न्यायालय के द्वारा उन पर कोई कार्रवाई होगी तभी आप कह सकते हैं, आरोप लगाना एक अलग बात। और रही बात आज की समय में, मैं जेटा जी से कई बातों में बहुत सहमत हूँ, इन्होंने बड़ी बारीकी से जो बात कही है कि अभी जो जैसे इन्होंने व्हाट्सएप चैट की बात की जी, जब चेयरमैन का नाम आ रहा है तो यही बात मैं कह रहा था तब से, जब तक बड़े मगरमच्छ बड़ी मछलियां बोला जाता था, आजकल हम मगरमच्छ का संबोधन कर रहे हैं इनको, इनके ऊपर हाथ नहीं डालेगी शत्रुजीत कपूर जी की टीम, कुछ भी हासिल होने वाला नहीं। इनका कार्य प्रणाली और इनका काम करने का तरीका इस तरीके का है, आईएएस और आईपीएस अधिकारी भी सत्ते में आ जाएंगे और ढूंढ नहीं पाएंगे जी। ये इन्होंने आप देखिए ना, यूनिवर्सिटियों से अधिकार छीन लिए कि आप कर्मचारियों की भर्ती नहीं कर सकते, डीसी रेट पर जो लगाने वाला सिस्टम था वो उन्होंने किस तरीके से कर दिया,
प्राइवेट एजेंसियों को वो दे दिया। अभी कोई पेपर चेक करने वाली या पेपर का आयोजन करने वाली पेपरों के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार कंपनी जो है वो पहले ही डिफॉल्टर है, उनको पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी। फिर आप ये चेयरमैन और मेंबर एसएस बोर्ड और एचपीएससी बना के इनको क्यों सरकार का पैसा जाया कर रहे हो, इनको घर बिठाओ। जब ये कोई डी ग्रुप का पेपर भी लेने की औकात नहीं रखते तो इन चेयरमैनों को घर और कोठियां दे रखी हैं, गाड़ियां दे रखी हैं, इनको घर बिठाओ अपने, और इस बोर्ड को भंग करो। कितने कर्मचारी हैं इसमें? जब आप एक आरएसएस के लोगों की एक कोई थर्ड क्लास कंपनी कहीं पर बनाकर जो डिफॉल्टर भी हैं, जब आप उनके जरिए ही एचसीएस अधिकारी लेवल के बड़े अधिकारी भर्ती करोगे और उस कंपनी की कोई जिम्मेदारी नहीं। ये कंपनियां क्या हैं जो आजकल चर्चा में आ रही हैं? ये सिर्फ पैसा बटोरने की एक इनकी अपनी निजी कंपनियां हैं बीजेपी के लोगों की। ना कोई मतलब कोई कार्रवाई होगी, ना कोई पकड़ा जाएगा, ना वो नाम लेंगे किसी का जी। तो इससे बड़ा भ्रष्टाचार का, जैसे आप कह रहे हो आप, मैं इस विषय पे कांग्रेस की तरफ से कहूंगा, आपके जैसे पंजेटा जी ने कहा था कि अब कार्रवाई कर रही है विजिलेंस, मैं ये कहता हूं कि असली भ्रष्टाचार अब शुरू हुआ है जब से बीजेपी की संघ की सरकार आई है। 80% लोग नरेंद्र मोदी को एक अच्छा वक्ता मानकर प्रधानमंत्री मानते थे, और हमारे माननीय नेता राहुल गांधी जी ने 2-3 साल पहले उनकी पोल दिल्ली में राष्ट्रीय प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए खोली थी, और उनको पप्पू कहते थे ये लोग, बीजेपी के अंधभक्त जाहिल लोग। आज 4 दिन पहले प्रधानमंत्री ने खुद हमारे राष्ट्रीय नेता, दूरदृष्टि नेता श्री राहुल गांधी को सत्य साबित कर दिया कि राहुल जी ने 2 साल पहले खुद नरेंद्र मोदी जी के बारे में जो बात कही थी उस बात का जवाब मोदी जी ने खुद दे दिया आके कि वो एक शब्द नहीं बोल पाए। अरे विदेशों में जब राष्ट्रगान चल रहा हो उस समय उनको पकड़ के खड़ा किया जाता है। ऐसे प्रधानमंत्री का यहाँ पर इन्होंने झूठा गुणगान करके देश की जनता को गुमराह करके जिस तरीके से किया, मेरा इस विषय से अलग कहने का ये मकसद है कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री खुद बेनकाबू हैं 4-5 दिन पहले, इसी तरीके से समय आने पर ये भी बेनकाबू होंगे मनोहर लाल खट्टर भी। ठीक है सर, मैं आपकी बात का भी जवाब लूंगा। डीपी कौशिक साहब आपके पास आ रहा हूँ, लेकिन उससे पहले पंजेटा जी कुछ कहना चाह रहे हैं। भव्य जी देखिए, मेरा समय इन्होंने जाया कर दिया था। मैं सिर्फ इनको एक बात, अगर ये संयम रह के जैसे रोड साहब की बात सुन रहे थे, मेरी बात सुन लेते तो मैंने सिर्फ इनको इतना कहना था, ये कह रहे कैंडिडेट बदल दिए, अगर कैंडिडेट बदल दिए तो इस आपको न्यायालय में विश्वास है तो वो हाई कोर्ट में भी चैलेंज हुई, माननीय सुप्रीम कोर्ट में भी चैलेंज हुई। और जहां तक करप्शन की बात है, यहाँ 350 लाख पकड़ा गया है, 5 करोड़ तो शायद अभी आपका, मुझे लगता है इस सरकार में भाव एक कैंडिडेट की भर्ती का चल रहा था एचसीएस की, ऐसे पता नहीं पूरी लिस्ट में कितने थे जो उन्होंने लगा दिए हैं, नहीं लगा दिए हैं, जो व्हाट्सएप चैट में सामने आया तो। और दूसरा मैं अभी एक बात कहना चाहूंगा कि भाजपा सरकार ने क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ चार्जशीट भी तैयार करी? फिलहाल इनका राज रहा, कोई एक्शन लिया इन्होंने? इनसे तो चार्जशीट भी तैयार नहीं हुई, चार्जशीट भी इंडियन नेशनल लोकदल ने तैयार करी, और अब जो एक्शन किया वो जो ये दूसरी बार ये जजपा के साथ जो मिलके इन्होंने सरकार बनाई है, इस सरकार में एक्शन हुआ भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ, इनके अंदर तो इतना भी नहीं हुआ कि चार्जशीट जो उन्होंने पहले से हमने तैयार करके दी, सारी मेहनत हमने की, उस पर कोई एक्शन ले लेते। और ये पारदर्शिता की बात करते हैं, ये बात करते हैं तो इनको तो, अगर इनको न्यायालय में इतना विश्वास है तो ये देखिए जो वो कैंडिडेट थे जिनके ऊपर आप प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं, उनकी तो प्रमोशन भी हुई, इंक्रीमेंट भी मिली उनको, और वो भी चैलेंज यानी हुआ हाई कोर्ट तक, वो सुप्रीम कोर्ट तक मैटर गया, और सुप्रीम कोर्ट ने वो पूरी भर्ती को सही ठहराते हुए तभी आज वो नौकरी में बने हुए हैं, तभी उनको इंक्रीमेंट मिल रही है, तभी उनको प्रमोशनें मिली हैं। तो कम से कम आप 1 रुपए का कम से कम भ्रष्टाचार पहले लेके आए, साबित करें। आपकी तरह 350 लाख ये चेक नहीं था, ये कैश है जो, और वो भी सरकारी दफ्तर, सबसे नंबर एक, सबसे प्रतिष्ठित, आज मैं टीवी चैनल पे बोल रहा हूँ, सबसे उच्च स्तरीय जहाँ एचसीएस जुडिशियल जज लगाए जाते हैं, उन तक का नाम उनकी ओएमआर शीट में आ रहा है। और ये 2019 की भर्ती है पिछली, अभी आप जिनका, अभी आप एचसीएस अधिकारी का चला रहे हो, क्या क्या है ये नेक्सस? अगर कहीं ये ना हो कि ये अधिकारी कुछ बोल दे कि ये कौन किस तरीके से लग के आया, कौन कितने पैसे दे के आया। ठीक है, तो आज अगर आप कौशिक साहब आ रहा हूँ आपके पास जवाब देने का, सवाल यही है, देखिए पूछ रहे हैं पैनल, तमाम पैनल में जो लोग शामिल है वो यही पूछ रहे हैं कि आप छोटी छोटी मछलियों पर तो कार्रवाई कर रहे हैं लेकिन मगर भ्रष्टाचार में लिप्त जो मगरमच्छ है उसे कब पकड़ेंगे? मैं कहता हूँ भविष्य जी, मैं, मुझे एक का नाम तो बताएं जिसको सरकार ने पता चला। मैं कहता हूँ चलिए आज इनकी बात में मान लेता हूँ, आज जो कार्रवाई हुई क्या मेरे रजत जी ने उनको रिपोर्ट दी क्या सरकार को, भी भ्रष्टाचारी अधिकारी इसको पकड़ो वहां पैसा पड़ा हुआ है?
या मेरे रोड साहब जो इतनी बड़ी बड़ी बातें बोल के चले गए उन्होंने बोला क्या? जो अनिल विज अगर सरकार की यही मंशा होती तो फिर ये बात क्यों नहीं करते, उस पे एक्शन क्यों नहीं लिया? क्यों बात की बात कर रहे हो? मुझे ये बता दिए जो जो अधिकारी है वो भी तो सरकार का ही है ना, सरकार में है ना वो अधिकारी। अगर अगर सरकार की यही मंशा होती तो 350 करोड़ का 500 करोड़ भी खा जाते। सरकार मैं कहता हूँ बिल्कुल जीरो टॉलरेंस पे काम कर रही है, और आप जैसे लोगों को जितने पहले विपक्षी हमारे भ्रष्टाचारी थे एक एक को भिक्षा ही नहीं की। आपके आका तो अभी भी चल रहे हैं ऐसे अधिक के संपत्ति के मामले में, छोड़ेंगे उनको भी नहीं, चाहे वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो चाहे चोपड़ा हो, किसी को कोई 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 अपने मतलब उनको सरकार का वो नहीं है। अपने काले ये लोग पहले से भ्रष्टाचारी है, इन्होंने किया है और ये सजा भुगतेंगे, इसमें सरकार का कोई रोल नहीं है। सजा देना मान लीजिए न्यायालय का काम होता है, दोनों लुटेरे मुख्यमंत्री रहे हैं, प्रदेश को जमकर लुटा आप लोगों ने, और ये इसकी सजा आज तक आप भुगत रहे हैं। कह रहा हूँ रजत जी, अभी आने वाले टाइम में आप देख लीजिए, आप सत्ता में जिंदगी में नहीं आ सकते, और ऐसे ही भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ में होगा, क्योंकि दोनों ने इस हरियाणा प्रदेश के एक 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 मजदूर की कमाई को खाया आपने, एक एक किसान की कमाई को खाया है दोनों मुख्यमंत्रियों ने। शिक साहब पूरा प्रदेश को लूटा है। और एक सेकंड, एक सेकंड, पंजेटा जी एक सेकंड, पंजेटा जी एक सेकंड, मैं सवाल पूछ रहा हूँ कौशिक साहब, कौशिक साहब सवाल का जवाब नहीं मिला। देखिए ठीक है, सवाल यही था कि देखिए छोटी छोटी मछलियों पर तो कार्रवाई हो रही है, लेकिन भ्रष्टाचार में लिप्त मगरमच्छ पर कार्रवाई कब होगी? चाहे मगरमच्छ हो चाहे कोई मंत्री हो चाहे अधिकारी कोई भी हो, किसी को इस सरकार में नहीं बख्शा जाएगा। मैंने आपसे वादा किया है, आपके चैनल के माध्यम से मैं बता रहा हूँ कि कोई अधिकारी चाहे कोई मंत्री चाहे कोई मुख्यमंत्री कोई हो किसी को नहीं बख्शा जाएगा। जीरो टॉलरेंस पे सरकार काम करेगी और भ्रष्टाचार का बिल्कुल खत्म करेगी। क्या भ्रष्टाचार की बात? आप लोग यही बैठे देखते हैं। एक सेकंड प्लीज, इस तरह दर्शकों को भी साल दूर है सत्ता, कुछ समझ नहीं आ पाएगा। कौशिक साहब एक बड़ा सवाल ये उठता है कि इतने तमाम आरोप लगे हैं तमाम घोटालों को लेकर, और इस पूरे मामले में भी जब एसडीएम के माफ कीजिएगा जब एसडीएम की एसीएस अधिकारी की गिरफ्तारी होती है तो इतना बड़ा नेक्सस, सवाल वही है, इतना बड़ा नेक्सस चल रहा है भ्रष्टाचार का, क्यों सरकार को इसकी भनक तक नहीं लगती? अवस्थी जी मेरी बात सुनिए, ये तो हमारी सरकार ईमानदार सरकार है ना, चाहे कितना बड़े अधिकारी हो उसको हम अंदर करेंगे। मैं कहता हूँ पिछले 15 साल का इतिहास उठा के देखिए इनका, दोनों सरकारों का, 2004 में सरकार इनकी थी, 2012 तक 14 तक सरकार कांग्रेस की, दोनों सरकार इतिहास उठा के देखिए कौन से मंत्री भी अधिकारी हुई। ये लोग घर से बैठ कर नौकरियां देते थे, घर में इनके पैसे पड़े रहते थे, किस पे कार्रवाई हुई बताइए मुझे एक बार। मैंने रिपोर्ट दिखाई जब से विजिलेंस का डीजी शत्रुजीत कपूर साहब को बनाया गया उसके बाद से लगातार कार्रवाई हो रही है, अधिकारी लपेटे में लगातार आ रहे हैं, लेकिन महज अधिकारियों पर ही कार्रवाई हो रही है, उनको संरक्षण देने वाले किसी भी एक आरोपी का नाम सामने नहीं आया। मैं जी मैंने आपसे आपके चैनल के माध्यम से मैं बता रहा हूँ आपको, सच्चो कितना ही बड़ा अधिकारी हो चाहे कितना ही बड़ा मंत्री हो कोई किसी को नहीं बख्शा जाएगा। आप मैं कहता हूँ मेरी सरकार में पिछले 7 सालों में किसी एक मंत्री के ऊपर कारोप दिखा दीजिए, किसी एक उसके ऊपर मुझे ये बता दीजिए, हम लोग नहीं बख्शेंगे किसी को। जैसे पहली सरकारों में होता था, आप इस चीज को भूल जाइए, हरियाणा प्रदेश की जनता जान चुकी है इस सरकार को, बार बार हम लेके देंगे, आने वाले टाइम में भी आप लोगों को 100 साल सत्ता से दूर रखेंगे दोनों पार्टियों को, मैं लिख के दे रहा हूँ। मैं आप इस चीज को मान जाओ, ये हरियाणा प्रदेश की जनता का हमें आशीर्वाद मिल चुका है, इसको हर आदमी को घर बैठे सुविधा जो सरकार देगी वो आपके सामने, आप देखिए कोई भ्रष्टाचारी नहीं बख्शा जाएगा किसी को, रजत जी किसी को नहीं बख्शा जाएगा। मैं आपको वादा करा रहा हूँ, आप चिंता मत कीजिए, आपके पास जो भी खबर है हमें बताइए, सरकार उसी में कार्रवाई करेगी। ब्याज है जो ब्याज भर रहे हो, मैं आपसे वादा कर रहा हूँ ना, आप बताइए किसी को भी आपको छोटी भ्रष्टाचार बता दीजिए, 3 लाख करोड़ का कर्जा हम नहीं छोड़ेंगे किसी को। क्या बात, माननीय मुख्यमंत्री की बिल्कुल मंशा ये है की एक भ्रष्टाचारी को उनकी सरकार में 7 साल के दौरान की सरकार है, मुझे एक मंत्री को बता दीजिए। आप बताइए, और आपका तो पूरी सरकार की सरकार में लिप्त थी, बताइए। नहीं ठीक है सर, देखिए इस तरह से अगर
एक साथ सब बोलेंगे तो समझ में बात नहीं आ पाएगी हमें भी और दर्शकों को भी। अवस्थी साहब, मैं आपके पास आ रहा हूँ। देखिए, कुछ सूत्रों के हवाले से खबर इस तरह की भी है कि जब एसडीएम, आरोपी एसडीएम को कोर्ट में पेश किया गया तो उन्होंने कुछ इस तरह की बातें कही कि मैं तो इस तरह की लॉबी का शिकार हो गया। क्या पॉलिटिकल ट्रेंड बन गया है क्या कि भ्रष्टाचार एक तरफ हो वो सरकार के संज्ञान में नहीं है, दूसरी तरफ अब अधिकारियों पर कार्रवाई करके एक डैमेज कंट्रोल किया जा रहा है, ऐसा मानो कि गंगा नहाने की कोशिश की जा रही है। क्या इस तरह की सिचुएशन है? मैं इस सरकार में नहीं, अगर पिछली सरकारों की भी बात करें तो ये ट्रेंड ऐसा ही दिखाई देता है। ये बात बिल्कुल सही है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये डीप रूटेड है सारा मैटर, इसकी तह तक जाए बिना बात नहीं बनती है। एसपीसीएससी लोक सेवा आयोग में जो नौकरी घोटाला हुआ है जी, उसकी जड़ें कहाँ तक है? बहुत सारे नाम चर्चा में है पब्लिक डोमेन में, वो नाम लिए नहीं जा सकते बिल्कुल। लेकिन जब एक एजेंसी ये कहती है कि साहब प्रदेश में 34% अनएम्प्लॉयमेंट है, तो दोनों चीजें कनेक्ट हो जाती हैं जी। सरकार की कोई भर्ती कंप्लीट नहीं हो पा रही है, जाहिर सी बात है जो अनियमितताएं हैं, जो करप्शन है या जो भी वजह है, उसकी सजा यूं भुगत रहा है प्रदेश का जी। तो इसका जवाब तो सरकार को देना पड़ेगा जी, सवाल तो सरकार से ही किए जाएंगे। विपक्ष ने तो जो गलतियां की, जो खामियां रही, उसकी सजा जनता ने उनको दे दी, विपक्ष में बैठे हैं आज वो जी। अब जो सत्ता में है उसी को तो जवाब देने होंगे जी। तो ये सारा मामला डीप रूटेड है, ये जितने भी एक्शन लिए जा रहे हैं ये बहुत छोटी मछलियां हैं जी। इसकी जड़ कहां तक है, जब तक वहां तक सरकार नहीं जाएगी बात नहीं बनने वाली है। ठीक है कौशिक साहब, जवाब दीजिएगा। देखिए 7 साल हो चुके हैं सरकार को, एक टेन्योर पूरा हो चुका है, दूसरा टेन्योर चल रहा है। सवाल ये उठता है कि भाई देखिए, अगर कोई परीक्षा हो रही है, वो परीक्षा सरकार नहीं करवा पा रही है, पर्चा लीक हो रहा है, तमाम तरह के घोटालों के आरोप भी लग रहे हैं, और इस तरह आप खुद मान रहे हैं कि देखिए जो भ्रष्टाचार हो रहा है उस पर कार्रवाई कर रहे हैं, ठीक है अप्रिशिएट तमाम लोग उसको कर रहे हैं कि भाई कार्रवाई भ्रष्टाचारियों पर हो रही है, लेकिन ये भ्रष्टाचार पर नकेल क्यों नहीं कसी गई अब तक? आखिर इतना वक्त क्यों लग रहा है? देखिए मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं विश्वास दिला रहा हूँ सर, सरकार अपने ट्रैक पे सही जा रही है। जो चीजें शिकायतें हैं, हम लोग किसी भी हमारे प्रदेश से किसी युवा के साथ में कोई खिलवाड़ नहीं करेंगे, किसी के साथ में कोई जायते नहीं करेंगे। जितने जो भी भ्रष्टाचार में श्रीमित है उसको अंदर करने का सरकार काम करेगी। और जो आप कार्रवाई कर रहे हैं सर, कंट्रोल क्यों नहीं हो रहा है? नहीं नहीं, कार्रवाई तो ठीक है आप कर रहे हैं, मैं पूछ रहा हूँ क्या ब्यूरोक्रेसी ज्यादा हावी सरकार पर हो गई है? ब्यूरोक्रेसी जो, और खास करके जो भ्रष्टाचारी अधिकारी हैं, उन पर तो कंट्रोल कहीं से कहीं तक नजर नहीं आता। ये किसने कह दिया सर? अधिकारी तो अच्छे से भी अधिकारी होता है जी, वही तो मैं कह रहा हूँ, पहले भी अधिकारियों पर घास गिरी है जी। ऐसा नहीं है कि सरकार किसी को मतलब रियायत दे रही है, किसी को भी नहीं बख्शा जाएगा। ट्रांसपेरेंसी लाना सरकार का काम है और सरकार उस पर कार्रवाई कर रही है, करेगी। देखिए बिल्कुल भी निश्चिंत रहिए, किसी को कोई किसी तरह का, ये विपक्ष को मैं बता रहा हूँ आपको, ये भूल जाए कि जो पहले होता था घर बैठे तनख्वाहें, घर बैठे नौकरियां दी जा रही थी, बिल्कुल भूल जाइए आप लोग। आप तो विश्वास करना चाहते हैं आपके आश्वासन पर? एक जो हमारा बिल्कुल जो जिसको नीड है और जिसको जो परीक्षा पास करेगा वो अधिकारी बनेगा, जैसा जैसा आपने भी कहा, बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी आएगी। देखिए अनएम्प्लॉयमेंट की बात उन्होंने कही, अनएम्प्लॉयमेंट अगर प्रदेश में है तो उसके बाद ये सवाल उठेगा कि भाई नौकरी आप क्यों नहीं दे पा रहे हैं, भर्तियां आप निकालते हैं तो उनके पर्चे लीक हो जाते हैं। और अभी एक पैनलिस्ट ने कहा भी था कि अगर इस तरह के अधिकारी है तो उनको घर बैठा दीजिए ना सर, आखिर 7 साल हो चुके हैं सर, सवाल वही आता है घूम फिर कर। देखिए अभी हमारे सरकार के 2 साल बचे हुए हैं सर ना अच्छे से, और आने वाले 5 साल भी हमारे पास में, हम हरियाणा प्रदेश के हर घर में एक एक नौकरी देने का हमारा वादा है। और मैं अपने अभी सभी साथियों को बोल रहा हूँ कि आप आराम से निश्चित बैठे विपक्षी दोनों अगले 10-15 साल और बैठे रहिए, हरियाणा के हर फैमिली में एक एक नौकरी हमारी सरकार देगी और निष्पक्ष नौकरी देगी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। ठीक है सर, वक्त मेरे पास खत्म हो गया। खबर आती है भ्रष्टाचार की, हम तुरंत कार्रवाई करेंगे, बताइए जितने आपके धन कोठे पहले के बारे में, कार्रवाई वहां तक भी पूछेगी, छोड़ेंगे नहीं। हरियाणा प्रदेश का पैसा जो आप लोगों ने लूटा है किसी ने भी छोड़ेंगे नहीं, हम उसको बता दिया। चलिए ठीक है सर, वक्त मेरा यहाँ पर खत्म हो गया। मैं सभी मेहमानों का शुक्रिया करना चाहूंगा, डीपी कौशिक साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, सुरेश रोड साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, रजत पंडेता जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और धीरेन्द्र अवस्थी साहब आपने भी वक्त निकाला, आप भी इस डिबेट में जुड़े, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो सवाल ये है, फिलहाल कार्रवाई विजिलेंस की लगातार हो रही है, अधिकारी भी अब लपेटे में आ रहे हैं, लेकिन ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों को संरक्षण देने वाले अभी तक क्यों
लपेटे में नहीं आए हैं। जीरो टॉलरेंस का दावा तो सरकार कर रही है और फिलहाल कार्रवाई भी इसी ओर इशारा कर रही है कि जीरो टॉलरेंस सरकार की तरफ से बढ़ती जा रही है, लेकिन क्या भ्रष्टाचार में लिप्त मगरमच्छों पर भी कार्रवाई होगी, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। इसी सवाल के साथ बड़ा मुद्दा में इतना ही। नमस्कार।